एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अब हम जाने वाले हैं आज एनिवर्सरी पार्टी में। तो फ्रेंड्स, और देख सकते हैं आप मेरा ब्लाउज था, वो उठाने गई, फिर इसके बाद जल्दी जल्दी आई, और जल्दी से आने के बाद कम से कम 6:30 बज गया था। फिर इसके बाद, और हम तो रस्ते में हैं, और इसके बाद हम घर जाने से देख पा रहे हैं। ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा ब्लॉग, और ये देखिए जो ये दुल्हन सजी हुई है ना, तो इन्हीं की रिसेप्शन पार्टी थी, या कह सकते हैं एनिवर्सरी पार्टी। तो आई होप आप सभी अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज का ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं पार्टी वेज ब्लॉग रहेगा, और रूटीन वाला ब्लॉग नहीं है। तो यदि किसी कारणवश, और ये इसमें ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये दुल्हन कैसी हैं, और ये जो आप लोगों को आसपास दिख रहे होंगे ना, जस्ट इन्हीं के कलर की जो दुल्हन दिख रही है ना, जस्ट इन्हीं के। आप लोग सोच रहे होंगे दुल्हन का इंट्रोड्यूस तो करा दिया, और दूल्हे राजा कहाँ हैं? तो जस्ट इन्हीं के, जैसे इन्होंने कलर का इन्होंने लहंगा गाउन पहनी हुई है ना, तो इन्हीं के कलर का ही इनके हस्बैंड ने भी कहते ड्रेस कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो ड्रेस कॉम्बिनेशन यदि आपको दिख जाए ना, तो समझ जाइए कि इनके हस्बैंड है। देखने की क्या बात है, वो तो आप लोग देख ही लेंगे, क्योंकि पूरा ब्लॉग देखिए ना, तो कुछ चीज़ें शेष रह गई हैं ना, तो वो भी देख लीजिएगा। ये जो बच्चे को हटा रही है ना, ये हमारे जस्ट सामने रहती है मैडम जी, जस्ट सामने की फ्लैट में रहती है। इन्हीं इंट्रोड्यूस कराऊंगी। ये देखिए जो मेरे आसपास है, ये छोटी सी पार्टी कह सकते हैं एनिवर्सरी पार्टी। क्या है कि आप लोग जानते हैं हम लोग रहते हैं बाहर, तो सीधी सी बात है यदि हम बाहर रहते हैं ना, यहाँ से छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरह से जो हम लोग रहते हैं साथ में, तो इसमें आपको मैं सारे पड़ोसियों से अपने बिल्डिंग के पड़ोसियों से इंट्रोड्यूस कराऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिए व्लॉग में। तो ये आप लोगों को मेहंदी कलर की ये साड़ी पहने दिख रही है ना, ये हमारी आंटी जी हैं, तो हमारी मकान मालिक हैं, इनके फ्लैट में ही हम लोग रहते हैं। और हम लोग तो नौकरी चाकरी वाले हैं, और नहीं, हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। तो बस ये आज यहाँ है, क्या मालूम अब कल कहाँ रहेंगे, ये रहता है ट्रांसफ़र की वजह से। ये मेरी जो मकान मालिक है ना, तो उनका स्वभाव एकदम इस तरीके से है जैसे घर के मेंबर का रहता है, और जैसे रहता है ना फैमिली मेंबर इस तरीके का। और हम लोगों ने खूब पार्टी एंजॉय की, और इसके बाद इनका एनिवर्सरी जो केक कट गया ना, तो हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। इन्होंने केक एक चेहरे पे लगाया, और इतनी मस्ती आप लोग देख ही सकते होंगे। लोग भी ऐसी एनिवर्सरी पार्टी करते हैं कि आपने शायद कभी देखी ही नहीं होगी ऐसी, क्योंकि इतना ज़्यादा एंजॉय था कि जितना एंजॉय थोड़ा बहुत कर, मतलब काफ़ी हद तक एंजॉय हमने खूब एंजॉय किया। बस अर्थ ये था, थोड़ा सा दिक्कत ये थी कि डीजे नहीं बज रहा था, वो जो भी हम लोग साउंड वगैरह, तो उसके वजह से बार बार रुक रहा था ना, तो उसके वजह से हम लोग अच्छे से डांस नहीं कर पाए। नहीं तो हम लोग तो जितने हैं ना ग्रुप में, सारे के सारे डांस करते हैं, और हालांकि करते तो नहीं है, मतलब ये है कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और पार्टी जैसे तो देखिए आप, ये दुल्हन देखिए आप, दुल्हन नाच रही हैं ना, स्टार्टिंग इन्हीं से थी, और हालांकि कपल डांस स्टार्टिंग थी, इनके हस्बैंड ने भी डांस किया, फिर इन्होंने किया। चलिए आप लोगों ने तो देख ली, अब दो पार्टी एंजॉय कर ली हैं, और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं ज़्यादा ना वो कह सकती साउंड नहीं ले सकती बाहर का, क्योंकि ये ब्लॉग था, तो इस वजह से
ब्लॉग में क्या होता है ना, जैसे कहीं कहीं यदि बाहर का म्यूजिक ले लो ना तो कॉपीराइट आ जाता है। वैसे ही तो मेरा ये पर्पज़ है कि अपनी यादें समेटना, या कह सकते हैं अपनी यादें रिमेम्बर करने के लिए, बस इसी पर्पज़ से मैंने ये वीडियो डाल रही हूँ। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरी ये पार्टी आई हम लोगों की, और ये भी कमेंट में बताइएगा हम लोगों का ये जो मेरी साड़ी कैसी लग रही थी और हम लोग कैसे लग रहे थे। और ये आप लोगों को बता दूँ, ये पिंक कलर का सूट पहने हैं ना, गाजरी कलर का, तो ये जो गाजरी कलर का इन्होंने सुझे भी हमारी मतलब नीचे फ्लैट में रहती हैं और हम लोग ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं। और ये जस्ट सामने रहती हैं जो पिंक कलर की, ये भी गाजरी कह दें ये इसका मुझे, हाँ रानी कलर का ये साड़ी पहने हैं ना, तो ये भी हमारे जस्ट सामने ही रहती हैं। और जिनकी ये रिसेप्शन पार्टी है तो अब उनका तो ये है कि वो भी जस्ट मेरे बगल में ही रहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं बिल्डिंग में रहें कई सारे फ्लैट रहते हैं, उस तरीके से है। तो मेरे ब्लॉग तो हमेशा जो भी देखते होंगे ना तो वो तो ये समझ ही गए होंगे। तो ये जो मेरी ननद, ये देख सकते हैं ये जो मेरी छोटी ननद है, मतलब एक ही मेरी ननद है तो वही है। और इसका भी बता दीजिए जल्दी से कमेंट में कि मेरी ननद कैसी है, उसका सूट कैसा लग रहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी फ्रेंड लोग ही इस ब्लॉग को देखती है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन देखता है कि कौन नहीं देखता है। और व्यू तो मैं क्या ही बताऊँ, व्यू तो आते भी नहीं है और अब मैं ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करती। मैं तो सिर्फ अपनी सिर्फ याद रिमेम्बर करने के लिए ही अपना ब्लॉग प्रोवाइड करा देती हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हम लोगों की ये पार्टी कैसी लगी, हम लोगों का डांस कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया, अब मैं होटल का नाम बताऊँ ना, तो होटल का नाम था सगुन कुछ था होटल, मतलब अच्छा होटल था, ठीक ठाक। और ये जो आप लोग दिख रहे हैं बीच में, सीक्रेट बातें भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि आजकल ना मैं स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, और कहीं कुछ इधर उधर आजकल बहुत, मैं आजकल ना कह सकते हैं बातें ज़्यादा करने लगी हूँ, फ्रेंड लोगों से मिलने ज़्यादा लगी हूँ, तो अब आजकल स्टडी अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना है, जैसे आपको बता दूँ कि अपने भाई की शादी में। तो फिर ये हो जाता है ना, थोड़ी सी प्रिपरेशन, डिस्कशन, और क्या करें ये चीज़ें हो जाती हैं। फ्रेंड्स, वैसे भी ब्लॉग छोटा या बड़ा अब मुझे मालूम नहीं कि आप लोग कितना प्रेम देते हैं, बस ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे ब्लॉग को भी आप लोग प्रेम दे, स्नेह दे, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल, किसी न किसी कारणवश मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है। और थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर दीजिए यदि मुझे जानते हैं। और क्या है ना, कभी कभी हम लोगों को छोटी मोटी पार्टी भी अटेंड करना चाहिए, और लाइफ बहुत छोटी है, हर चीज़ मुझे लगता है हर चीज़ एक मैनेज में करना चाहिए। क्योंकि यदि हम ना यदि हम घर गृहस्थी ही कह सकते हैं, खाना पीना यहीं तक सीमित रह जाए, लोगों का भी आप लोगों ने डांस देख लिया होगा, वो लोग भी बड़े अच्छे से कर लेते हैं। हालांकि मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल डांस नहीं करते हैं, उन्हें मुझे मालूम नहीं उनसे बनता है कि नहीं, मैंने तो आज तक उन्हें डांस करते हुए देखा भी नहीं है। और हालांकि मैं अपने ब्लॉग में कभी कभार उन्हें ले आती हूँ, लेकिन उन्हें ये मेरा पर्सनली मैटर है, मेरी फ्रेंड लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं रहता है। उन लोगों का कहना रहता है कि आप लोग, मेरा ये रहता है ना कि प्राइवेसी, यदि जिसे ब्लॉग में मेरे आना है तो अच्छी बात है, जिसे नहीं आना है तो वो नहीं आए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ हो जाती है। कि फ्रेंड्स, ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो रहा है आज का, क्या है ये पार्टी वाला ब्लॉग है ना, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो एड वो कर दी हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा होगा। और मैंने आई होप आपको सबको पहचान करवा दी होगी आपकी, या कह सकते हैं करा दिया होगा जो कुछ लोगों से। अब ये आप इनकी लास्ट और इनकी बातें कर लेते हैं। ये जो आप लोगों को ना ये पिंक कलर की, हल्की पिंक कलर की, इसको कौन सा कलर बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, बीच में दीदी है ना ये, बीच में आप लोग देख पा रहे होंगे ये जस्ट सामने वाली जो रॉन्ग वाला थोड़ी सामने कलर की है, तो ये दीदी है ना जो सारी की बहन है, जो बड़ी बहन है, और जो जिनका ये एनिवर्सरी पार्टी है उनकी बहन है, और अच्छी लग रही हैं वो भी, बहुत अच्छी स्वभाव की चलती है। मुझे तो लगा ही नहीं कि मतलब कहीं और गए थे, और ये सब बात ही तो हम लोगों का आप कुछ सोच रहे होंगे आपसे कि ये मैंने साड़ी कुछ बोली क्या है कि ना कोई लाल घाघरा वाला पकवाना था, तो कहा इनका है, इस वजह से मैंने साड़ी को कुछ किया।
तो फ्रेंड्स आप लोग ये मत सोचिएगा कि उनकी साड़ी क्यों टच कर रही है, ऐसा हो जाता है ना डिस्कशन में, तो इस वजह से थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए तो इस तरीके से मैंने बात कर ली। जब पार्टी में जाते हैं तो फिर ये नहीं रहता है, ये सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए कुछ पलों के लिए रहता है और जो भी हमें सालों सालों या कई सालों तक याद रहती हैं ये चीज़ें। हम अपने बैकवर्ड को देख के या कह सकते पीछे एक बार जाके देख सकते हैं, इस पर्पज़ से मैंने अपने यूट्यूब में वीडियो डाल दिया। और ये दीदी देखी कितनी क्यूट है, कितनी अच्छी, मतलब बहुत अच्छी थी, बाई नेचर बहुत अच्छी थी और शांत स्वभाव की। और जो हम लोग ना जितने लोग हैं फ्लैट में सब लोग दीदी इनसे ही एडवाइस लेते हैं, इनसे ही पूछते हैं, और जो कि सबके हिस्से में नहीं आता है। और तो फ्रेंड्स आप लोग तो देखते ही होंगे कि आजकल ना सब लोग अपने अपने में समेट के रह गया, मोबाइल में ना बस ये रहता है कि आप अपना मोबाइल देखें, अपने से मतलब रखें, बल्कि ये हो गया तो जो हम बाहरी सोशल रहते थे ना, तो अब वो सोशल वाली कंडीशन थोड़ा सा ये हो गई कि कट सी गई है, तो वो चीज़ इनके अंदर नहीं है। वो चीज़ ये यही कहती हैं कि हमेशा सोशल रहना चाहिए, और जिससे क्या होता है हमें बाहरी बात हर चीज़ का ज्ञान भी रहता है, और ये रहता है कि हमारी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। अब मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि अब मैं जल्दीबाजी में एडिट कर रही हूँ तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती। और ये लास्ट में फिर हम लोग खाना खाया हम लोगों ने, हाँ इस होटल की थोड़ी सी कमी ज़रूर कर दूँ, बुराई बता दूँ, वैसे तो बताना नहीं चाहिए। क्या था ना, इन्होंने खाना हम लोगों को इतना 11 बजे ही स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उन्होंने ना रोटी नहीं बनाई थी, जो भी तो रोटी उन्होंने नहीं बनाई थी, सिर्फ सारा सर्व कर दिया था, और दाल चावल ये सारी चीज़ें सर्व, चावल भी सर्व नहीं कर रहे थे, और गर्म के चक्कर में हमने सब कुछ सर्व कर पाई। और काफ़ी देर हो गए, 10-15-20 मिनट ऐसे बगैर रोटी के बैठे थे, और 15 मिनट तक 20 मिनट ये रहता है ना, अगर हम बाहर जाते हैं तो होटल में हो और घर जैसी सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं, कार्यक्रम या फिर ये रहता है। और ये छोटा सी पार्टी थी, एक ऐसे कहते किसी पार्टी रहती थी बस वही था। तो आई होप आप लोगों को ये देख सकते हैं चीज़ का होता, जल्दी जल्दी आप लोग भी थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, और हमें जो बहुत सारे जैसे कि आप लोग जानते हैं सहारे का टाइम भी चल रहा है। और ये फाइनली हम लोगों की फैमिली सबका ये था, सब लोगों ने फिर फोटो क्लिक कराई, और जो इनकी जो मैंने बताया जो ब्लैक और रेड कलर के साथ फ्रॉक पहने हैं, लॉन्ग सूट पहने हैं, तो ये भी मेरी फ्रेंड है। इनसे ही हम लोग सब लोगों को कुछ भी पूछना होता है तो मतलब ये रहता है कि इन्हीं से हमारे लोग सब लोग एडवाइस लेते हैं, कोई भी चीज़ हमेशा जो भी हम लोग डाउट होते हैं क्लियर हो जाती है, चाहे वैसे क्लियर हो, मतलब एक तरह से खुशी एंटरटेनमेंट, जब मूड ऑफ हो जाता है ना तो फिर हम लोग चले जाते हैं वहीं मिलने, मज़ा आ जाती है बात करके, ये रहता है। कभी न कभी हमारे ग्रुप में भी कोई ऐसी पर्सन होना चाहिए जिससे एंटरटेनमेंट हो जाए, सीखने को भी मिले, और सारी चीज़ एक साथ हो जाए, है ना, ये चीज़। तो ये है मेरी फ्रेंड जिसके बारे में बोल रही थी, आप देख पा रहे होंगे। तो बस अच्छे से मिल लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, देखने में भी बहुत अच्छी हैं और बोलने में भी बहुत अच्छी हैं, और बस कह सकते एडवाइज़र भी अच्छी हैं। अब बात आती है इनके बारे में, तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, तो ये जो कपल डिफर कपल दिखा है ना आप लोगों को, तो ये भी बहुत अच्छी है, दोनों बहुत ही अच्छी हैं। और जिस तरह से हस्बैंड वाइफ का कहते केमिस्ट्री होना चाहिए या उनके विस्तार और हर चीज़ें, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है, विचार मिलते हैं। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखे हस्बैंड वाइफ ना झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से कम बात करते हैं, अलग टाइप के रिश्ते अलग ही रहते हैं, तो उस तरीके का इनका बिहेवियर नहीं है। और मैं भी उम्मीद करती हूँ आप लोग, हाँ मेरी बेस्ट विशेस है कि इनकी लाइफ बहुत अच्छे से चले, और सभी की बेस्ट विशेस होना चाहिए कि कहते हैं ना जो रिश्ते बन जाते हैं उन्हें बड़ी शिद्दत से बहुत अच्छे से निभाए जाएँ, क्योंकि अलग अलग पर्सन का एक साथ रहना इतना ईजी भी नहीं रहता है, क्योंकि विचार नहीं मिलते, काफ़ी
काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, फिर भी हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है, ये चीज़ हो जाती है। लेकिन कहीं कहीं ये हो जाता है विचार नहीं मिलते हैं, फिर भी मैनेज वैसे मैनेज करने में अलग होता है, और कह सकते हैं जो समझ के मैनेज करने में, एक दूसरे से डिस्कशन करके मैनेज करने में वो चीज़ अलग होती है। तो ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं और बहुत हेल्पफुल हैं एक दूसरे के प्रति। कहते हैं ना तारीफ करना चाहिए, तो बस ये जो मैं फील करती हूँ वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और जो भी किसी तरह की कमी नज़र आई तो ज़रूर कमेंट बता दीजिएगा, कुछ गलत मैंने बोला हो तो भी कमेंट बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इस ब्लॉग को मेरी फ्रेंड लोग देखेंगी और बोलेंगे कि मेरे कुछ ऐसा बोला ऐसा बोला। और चलिए, और जो छोटी सी लड़की आपने देखी है ना, तो वो लड़की जो गाजरी कलर की फ्रॉक पहनी थी तो उनकी है। चलिए अब क्या ही बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, इस लड़की को और छोटी सी देख लीजिए, क्यूट सी, और ताकि मन खुद अब बात आती है। लास्ट ये गाजरी कलर की फ्रॉक पहनी है, ये है इनकी छोटी सी क्यूट सी बेबी, और देख सकते हैं आप लोग, इसका परिचय रह गया था तो इसका भी कर लीजिए, क्यूट है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये पर रोई नहीं है, लास्ट हो गया। तो ये जो मेरे जस्ट सामने भैया है ना, भैया जैसा देवर है, छोटा से छोटा है, सबसे लड़ला है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट व्लॉग में।